हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो ये है क्रेटा का एडवेंचर एडिशन, एसएक्स वेरिएंट है, 1.5 लीटर डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन नहीं, बताते हैं अभी आपको। ये पेट्रोल इंजन है, 8000 RPM है, ठीक है। और ये आपका एडवेंचर एडिशन है, यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हो। तो भी फ्रंट से आपको बताते हैं पूरी गाड़ी, और इसमें आपको वो चीज़ें भी बताता रहूँगा जो भी आप ऑब्जर्व कर लोगे, देखते देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये एडवेंचर में ये आया ये है। और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊँगा अलग से। तो अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं ट्राई बीम हेडलैम्प, जो पहले भी आते थे वही DRL, नीचे आपके हेलोजन, आपके फॉग लैम्प्स, और ये इंडिकेटर, ये भी हेलोजन। अब सेंटर ग्रिल पे हैं, तो यहाँ पे आपको जो लोगो है ये आपको पूरा ब्लैक कर दिया है, ग्रिल भी पूरी ब्लैक है, पियानो ब्लैक फिनिश आप कह सकते हैं उसको। और जो पहले वो वाली आती थी आपकी नाइट एडिशन, उसमें बस यहाँ रेड इंसर्ट होते थे और ये होता था डार्क क्रोम में, तो ये पूरा पियानो ब्लैक हो गया। ये होगी इसकी फ्रंट लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट। फ्रंट की जो स्किट प्लेट है और जो और वेरिएंट्स में आपकी सिल्वर कलर में आती है, नाइट एडिशन में जो आती थी सेम वही दिया इन्होंने पियानो ब्लैक में। दूर से गाड़ी दिखाता हूँ, तो अब ज़्यादा पूरा वो वाली बढ़िया वाली लुक दे रही है, बिल्कुल ऑल ब्लैक। अब साइड से आप देखो तो ये इसके अलॉय व्हील्स हैं, जो नाइट एडिशन में थोड़े अलग थे कलर, थोड़ा इन्होंने क्या किया इसमें ग्लॉस दिया, उसमें पूरा ग्लॉस नहीं था, उसमें थोड़ा मैट था, तो ये पूरा ग्लॉस में। और फ्रंट आपके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड हैं। टायर साइज की बात करूँ तो वही है 215/60/17। फ्रंट में आपको मिलती हैं डिस्क ब्रेक, रियर में भी आपको मिलेंगी डिस्क, डिस्क ही मिलेंगी रियर में, पर वो आपको जो डिस्क मतलब ये पैड, ये आपके कैलिपर्स हैं, ये आपको सिल्वर मिलेंगे, फ्रंट में आपको ये रेड मिलेंगे। अब साइड में जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ एडवेंचर की बैजिंग दोनों तरफ मिलेगी ऐसे। अब पता क्या होगा, लोग जो ई वेरिएंट ले रहे थे जिनके यहाँ पे फेंडर पे वो था, अब ये लगवाएंगे वो उसकी जगह, क्योंकि वो जो बाहर से आफ्टर मार्केट था वो अजीब लग रहा था, अब ये लग जाएगा, चाहे थोड़ा आगे पीछे लगेगा पर ये लग सकता है, तो इससे थोड़ी लुक आ जाएगी। और अब दूसरा चेंज है, ये नीचे पूरी क्लैडिंग दे दी है कंपनी ने डोर पे, इसमें कोई बैजिंग वगैरह नहीं एडवेंचर की, पर बहुत बड़ी क्लैडिंग है ये। और जो यहाँ पे आपकी साइड के सिल्वर वाली प्लेट होती थी ये भी इन्होंने पियानो ब्लैक में कर दी है जैसे नाइट में थी। अब और चीज़ें बताएं तो डोर हैंडल्स भी आपको पूरे बॉडी कलर्ड मिलेंगे, और RVMs आपको बॉडी कलर मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स, और इन्हें आप फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। रूफ रेल्स आपको ब्लैक मिलेंगी इसमें एडवेंचर एडिशन में, बार बार कहीं गलती से नाइट बोल जाऊँ तो सॉरी, बोल एडवेंचर ही जाना रहा हूँ। और हाँ, कलर पहले आता था इसमें फैंटम ब्लैक, अब ध्यान से देखो ना तो इसमें हल्का हल्का पर्ल आ गया है, तो इस कलर का या तो कंपनी ने बोल दिया है तो पर्ल ब्लैक है, या तो ये फैंटम ब्लैक तो अब नहीं है क्योंकि इसमें पर्ल्स हैं हल्के हल्के दिख रहे हैं। बाकी जो इसका सी पिलर है ये भी आपको पूरा ब्लैक्ड आउट है। तो साइड प्रोफाइल मैंने आपकी कवर कर ही ली, अब चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर में तो आपको ऐसे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, जैसी पहले आती थी वही है, बस एक जो मेरे को थोड़ा लगा ना कि कंपनी ने जब आगे का लोगो ब्लैक कर दिया तो पीछे का भी ब्लैक कर ही देता है, वो और अच्छा लगता पूरा। इसको पूरा पियानो ब्लैक में देते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी सेम टेल लैम्प्स हैं, रेयर वाइपर डिफॉगर, रूफ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, ब्रेक लैंप यहाँ पे है इसका। बाकी रेयर की जो स्किट प्लेट है वो भी पियानो ब्लैक में है, नीचे आपको दो रिवर्स लाइट्स मिल जाएंगी बम्पर पे और चार पार्किंग सेंसर्स। तो रेयर की भी बात होगी, आगे की भी बात होगी। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ जहाँ थोड़े ज़्यादा चेंजेस हैं। वैसे है तो इसमें कॉस्मेटिक ही, कोई वैसे मैकेनिकल वगैरह कुछ नहीं है, SX वेरिएंट है इसलिए कोई लेदर एट फिनिश है नहीं यहाँ पे, ना सॉफ्ट टच है। सेम कंट्रोल्स हैं डोर हैंडल पे, डोर पैड पे सेम कंट्रोल्स हैं ड्राइवर साइड पे जो पहले भी आते थे, नीचे भी सब सेम है। अब जो डिफरेंस है वो इंटीरियर पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको वापस चढ़ा सकते हैं, थोड़ा आइडिया दे देते हैं। तो इस तरह की आपको सीट मिलेगी यहाँ पे, ऑलिव खाकी कलर बोल रहे, खाकी आप समझ लो, सेंटर में उसी का पूरा यूज़ है, साइड में उसकी पाइपिंग हुई पड़ी है पूरी सीट पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये पूरा ब्लैक है इतना हिस्सा, फिर खाकी है, अच्छे से अभी जज हो जाए बस हो रहा है, और बीच में थोड़ी खाकी ऐसे लाइन दी हुई है। बाकी लेदर राइट नहीं है, सेमी लेदर राइट है, देखो साइड में लेदर है, बीच में आपको क्लॉथ है। अब आते हैं इंटीरियर के अंदर, ठीक है। डोर को करते हैं बंद, शीशा ऊपर करते हैं इसको पीछे। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जो आपको वही फ्लैट बॉटम मिल जाता है, और इस पर आपको वही खाकी कलर की स्टिचिंग मिल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल सारे सेम है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी सेम है, कंट्रोल सब सेम है, जो चेंज है सीधे सीधे वो दिखाएंगे। पूरा इंटीरियर ऑल ब्लैक हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको वही ऑलिव खाकी इंसर्ट्स मिल जाएंगे पूरे AC वेंट्स पे, और सेंटर में तो पियानो ब्लैक का यूज़ नहीं किया इन्होंने, पर साइड वाले जो दोनों हैं उनकी सराउंडिंग पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ कंपनी ने किया है ऐसे ही वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सेंटर हो गया, और यहाँ पे आपको वही पूरा ब्लैक आउट और वेरिएंट्स में भेजा जाता था। बाकी नीचे एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल जाएगी,
और ये ग्लव बॉक्स है जो आपको कूल्ड मिल जाता है, जो पहले भी मिल रहा था। ठीक है, ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है। पैनोरामिक बात करते हैं उन चीज़ों की जो मैं अगर बताना भूल गया हूँ और आपको शायद दिखी ना हो और ना मुझे दिखी हो, तो मैं आपको वो दिखाऊँ बताता हूँ। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ फटाफट, तो आप यहाँ पढ़ते भी जाओ। मैं चलो मैं पढ़ पढ़ के बताता हूँ, आप देख लो चलो साथ साथ। एक तो आप पूरा पसीना पसीना 21 आपको न्यू फीचर्स मिलेंगे इसमें ओवर रेगुलर वेरिएंट। डैश कैम आएगा विद ड्यूल कैमरा। हाँ ये देखो, ये मैं बताना भूल जाता, ये रहा डैश कैम। ठीक है, और विद टू कैम ड्यूल कैमरा है आगे, तो आगे का तो रिकॉर्ड करेगा, पीछे का अंदर का भी ये रिकॉर्ड करेगा जैसे आप देख सकते हो अभी। ठीक है, और डोर क्लैडिंग जो मैंने आपको बाहर दिखा दी बड़ी सी, 3D डिजाइनर एडवेंचर मैट्स। हाँ ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, चलो एडवेंचर एम्बलम ऑन फेंडर मैंने आपको दिखा दिया, पहले आपको इसके मैट्स दिखाऊँ। चलो कुछ ना कुछ रह ही जाता है इसलिए मैं अलग से वो लेके आ गया साथ। ये है इसकी 3D मैट जो कंपनी अब दे रही है, और थोड़ा सा आपको निकाल के पैक तो ऐसे ऐसे मैट इन पैस यहाँ से देख लीजिए, तो ये आपके 3D मैट्स इसके साथ कंपनी ने दिए हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी इसके कोई अलग से प्राइस नहीं देना, कहीं कोई डीलर आपको पागल बनाए, तो ये गाड़ी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ रह गई थी कवर हो गई, अब और बताते हैं। अरे आ गया यार, ये बार बार हट जाता है, अभी तो ढूंढ के रखा था मैंने। हाँ ये रहा, हो गया डोर क्लैडिंग हो गई, 3D एडवेंचर मैट्स हो गए, एडवेंचर एम्बलम ऑन फेंडर दिखा दिया, मेटल पैडल्स हैं ये देखो, देख लो मैनुअल है और सारे मेटल हैं, ये ऊपर से हटेगी वाइट कलर की, पूरा मेटल है ये। नेक्स्ट मेटल पैडल्स के बाद ब्लैक फ्रंट ग्रिल विद ह्युंडई लोगो मैंने आपको दिखा दी, डार्क क्रोम रेयर ह्युंडई लोगो, डार्क क्रोम में कराया उन्होंने लोगो पीछे, तो आप जानबूझ के ही किया। चलो बाहर जाके दिखाते रहते हैं साथ साथ, मैंने अभी दिखाया तो ये पूरा डार्क क्रोम कंपनी ने कर दिया। इसके बाद कंपनी कहती है जी डार्क क्रोम क्रेटा एंड एल्काज़ार लेटरिंग, तो एल्काज़ार में जो होगा होगा, बाकी क्रेटा में ये इनका जो नाम क्रेटा लिखा हुआ ये भी डार्क क्रोम में है। उसके बाद ब्लैक स्किड प्लेट्स फ्रंट एंड रेयर एंड साइड स्टिल जो मैंने आपको दिखाई दी, फिर ब्लैक रूफ रेल्स एंड शार्क फिन इंटीरियर, चलो तो गाड़ी के साथ भी आता वैसे तो, नाइट एडिशन में भी ब्लैक ही आती है। उसके बाद आपका, चलो गाड़ी दूर से दिखाते रहते हैं ना साथ साथ, और है आपका ब्लैक फॉग लैम्प गार्निश, अल्काज़ार में होगी वो, इसमें नहीं है। ब्लैक ओआरवीएंस वो इसमें है ही, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ब्लैक सी पिलर गार्निश क्रेटा में होगी, ब्लैक टेलगेट गार्निश वो अल्काज़ार में है, ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स वो इसी में है। तो ये 21 चीज़ें थी जो कंपनी ने इसमें चेंज की हैं, और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसके बाद आपको शो हो ही रहा होगा। ठीक है जी, वैसे तो 15.17 लाख है एक शोरूम इसका, बाकी जो कंफर्म प्राइस है बिल्कुल वो अभी आप इसके बाद प्राइस मैं आपको लिस्ट शो कर दूंगा। बाकी इंटीरियर बिल्कुल इंटीरियर तो चलो जो कॉस्मेटिक चेंज है वो तो मैंने आपको दिखाई दिए, पीछे से और दिखा देता हूँ थोड़े से। अब पीछे आ जाते हैं तो ये देखो एडवेंचर की वही बैजिंग दोनों पे, कुशंस पे, नीचे आपके वही ऑलिव खाकी इंसर्ट्स के साथ, नीचे यहाँ पे आपका इसमें लेदराइट है, साइड में आपका क्लॉथ है। बाकी ओ चलो शुक्र है, एक चीज़ अच्छी हुई पता है क्या, नाइट एडिशन में जो रेड इंसर्ट्स आते थे ना आगे, जिनको पता होगा इस इवेंट्स में, पीछे वाले सिल्वर होते थे, इसमें कंपनी ने ध्यान दिया और पीछे वाले भी ऑलिव कर दिए हैं, ऑलिव खाकी, आगे वाले नहीं, पीछे वाले पहले नहीं हो रहे थे अब कर दिए हैं। बाकी रेयर में आपको कर्टन्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो यही थी क्रेटा की एडवेंचर एडिशन SX वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। वीडियो आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हो। फीचर्स वगैरह सब सेम है जैसे इसमें आ रहे थे, जो चेंजेस हैं वो कॉस्मेटिक हैं, मैंने आपको 21 बता रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हो, और कोई डाउट रह गया वो भी आप कमेंट्स में से पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।